चमोली में इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को मिल रहे अपार समर्थन से परेशान हो गई है। जनता अब बदलाव चाहती है, इसीलिए इंडिया गठबंधन को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जो देश के वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं और जो हमारे प्रदेश के जो परिस्थितियां हैं, तमाम मुद्दों के साथ हम लोग इस जनता के संघर्ष की लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। और अपनी बातें उन्होंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो देश में आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी, सीबीआई, सीआईडी के माध्यम से कांग्रेस के या अन्य विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाकर उनको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि इस समय इस देश में पिछले एक दशक से जो सरकार है वो इस देश में लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए खतरा बन गई है। और ये सरकार जिन वायदों को करके आई थी कि अच्छे दिन इस देश में आएंगे, तो पिछले 10 साल इस बात के गवाह हैं कि इस देश के किसानों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, छात्रों, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए वो अच्छे दिन का वायदा दरअसल तबाही का वायदा सिद्ध हुआ है। इसलिए देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, शिक्षा, रोजगार को बचाने के लिए ये जरूरी है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के लड़ें और ऐसी सरकार जो धनबल के दम पर, जो कि इस समय दुनिया में सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, तो जो अवैध वसूली के दम पर सत्ता में बना रहना चाहती है, पैसे के दम पर सत्ता में बने रहना चाहती है, उसको बेदखल किया जाए।